आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को एक ज्ञापन देना है। हमारा समाज सरस्वत समाज जिसकी धर्मशाला पुष्कर राज के अंदर है, वहाँ पुष्कर राज थाने के अंदर एक हमारा मुकदमा दर्ज कराया गया जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं उनके द्वारा वित्तीय अनियमितताएं की गई। उन्होंने संस्था का पैसा व्यक्तिगत अकाउंट के अंदर डाला जिसका कोई भी उचित जवाब नहीं दे पाए, जिसकी आज पूरे 25 से 30 दिन हो गए हमारे समाज में कोषाध्यक्ष द्वारा बयान दर्ज करा दिए गए, साक्ष्य पूरे दे दिए गए और सारे के सारे साक्ष्य जो हैं वो सरकारी साक्ष्य होने के बावजूद भी आज तक किसी प्रकार की अनुसंधान अधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर आज समाज रोष उठके आज विरोध के रूप में अंदर ज्ञापन देना आया, जिस पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वस्त किया कि तुरंत अब कार्रवाई की जाएगी, जो भी अनुसंधान में जैसा भी होगा पारदर्शिता रूप से उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और आगे की कार्रवाई में हमारे द्वारा ये कहा गया कि जो हमारा पैसा जो लिया गया है वे वापस रिकवर करके समाज को दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि तुरंत अब कार्रवाई की जाएगी। कितने पैसे थे और क्या? जो पैसे हैं दो अकाउंटों के अंदर अलग अलग 14-14 लाख रुपए गए हैं व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत जो गए हैं उनके नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है क्योंकि जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो बैंक के थ्रू हुआ है, कोई ऐसे नहीं हुआ है कि कोई नगद के रूप में दे दिया गया है। ट्रांजेक्शन जो है उसकी किसी भी प्रकार का कोई भी रिलेशन समाज के साथ नहीं था, फिर व्यक्तिगत जो ट्रांसफर किया गया। इसे लेकर कोषाध्यक्ष द्वारा एक शिकायत की गई जो 130/2023 पुष्कर थाने के अंदर दर्ज है। आज अडॉप्ट कमेटी जो बनाई गई इसके बाद 30/4 को आम सभा समाज की रखी गई जिसमें बर्खास्त किया गया और अडॉप्ट कमेटी आज यहां पर समाज के गणमान्य लोगों के साथ आई और पुलिस अधीक्षक महोदय को इस बात की शिकायत दर्ज कराई कि अभी तक अनुसंधान में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। योगेंद्र ओझा।